गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आपके लिए आज न्यू वीडियो लेके आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चैप्टर सेकंड, मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो लघु बीजाणु जनन से पहले हम पहले का थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि अर्किस्पोरोजेनेसिस जो कि हाइपोडर्मल डेराइव्ड होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है और उसमें विभाजन जो होता है वो परिणत विभाजन होता है। परिणत विभाजन होकर दो भागों में बढ़ जाती है प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल या प्राथमिक बीजाणुविद कोशिका या बीजाणुजन कोशिका। अब प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक द्वितीय कोशिका जो है वो पराकोष की भित्ति का निर्माण करती है। जो पराकोष पराकोषी होता है, पराकोष तंतु है ना, तो ये पराकोष की जो भित्ति होती है इसका निर्माण कौन करती है, प्राइमरी पैराइटल सेल। अब चार लेयर बनाती है, एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर एपिडर्मिस एपिडर्मिस एंडोथीशियम मिडल लेयर एंड टेपिटम। एपिडर्मिस उससे बाहर होती है, एंडोथीशियम उससे अंदर, और मिडल लेयर जो है वो एंडोथीशियम से अंदर, सबसे अंदर वाली लेयर जो होती है वो टेपिटम होती है, और इसे मिडल लेयर से भोजन ग्रहण करके और पोषण देती है किसको, परागकणों को पोषण देती है। परागकण जो है, परागकण पोषण किसे ग्रहण करते हैं, टेपिटम से ग्रहण करते हैं। ये हमने इससे पहले जो वीडियो था हमने उसमें देखा था। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल जो होती है उनका क्या होता है। तो प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल यानी कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका वो क्या होती है कि किसमें कन्वर्ट हो जाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या बीजाणुजन मात्र कोशिकाओं में। बीजाणुजन मात्र कोशिका या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो द्विगुणित होती है। द्विगुणित यानी कि 2n होती है, यानी कि डिप्लॉयड होती है। तो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कैसी रहती है, आधी रहती है। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, चार कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से या बीजाणुजन मात्र कोशिका से चार माइक्रोस्पोर बनते हैं या बीजाणु लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु या हम इसे पराकरण भी कह सकते हैं। अब ये लघु बीजाणु जो है, एक बीजाणु मात्र कोशिका से चार लघु बीजाणु बने और कैसे बनेंगे, अब ये हैप्लॉइड होंगे। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन। ये अब जो लघु बीजाणु बने वो एक समय में चार बनते हैं, एक मात्र कोशिका से, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। अब ये चारों जो होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं, टेट्राड में व्यवस्थित होते हैं। कैसे व्यवस्थित होते हैं, टेट्राड में, यानी कि चार एक साथ में ग्रुप बना के जुड़े हुए होते हैं। टेट्राड जो होते हैं अब भी जुड़े हुए होते हैं, तो क्या ऐसा है जो इसे जोड़े रखता है, एक केमिकल होता है कैलोस, एक केमिकल होता है कैलोस, उससे जुड़े रहते हैं और इस कैलोस से जुड़ने के कारण ही टेट्राड बनाते हैं। तो टेपिटम जो पराकोष की भित्ति सबसे अंदर वाली भित्ति होती है, टेपिटम का यह फंक्शन होता है कि ये कैलेज एंजाइम सिक्रेट करती है। यही कैलेज एंजाइम जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में व्यवस्थित है और कैलोज द्वारा जुड़े हैं, ये कैलेज एंजाइम उसका विघटन कर लेता है और चारों माइक्रोस्पोर को अलग अलग कर देता है। जैसे ही अलग होते हैं तो इसमें फास्टली डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ये एक मैच्योर पराकरण का निर्माण करते हैं। पराकरण जैसे ही पुष्प पे वर्तिकाग्र पे गिरता है और अपनी नरीगमक उद्भिद का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि किस तरह के टेट्राड जो है वो बनते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के बाद। तो हमारे पास में पांच टाइप के टेट्राड जो है वो बनते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय जिसे हम कहते हैं। चतुष्फलकीय में क्या होता है कि दो लघु बीजाणु तो हमें सामने से देखने को मिलते हैं, पर एक लघु बीजाणु जो होता है उसके पीछे की ओर व्यवस्थित होता है, वो हमें डायरेक्टली नहीं दिखाई देता। जबकि सेकेंड टाइप है आइसोबाइलेट्रल, आइसोबाइलेट्रल ये आइसोबायोलेट्रल जो है वो समद्विबीजपत्री पाशी भी कहलाता है। आइसोबायोलेट्रल में सारे ही लघु बीजाणु एक ही तल में होता है। इस तरह का टेट्राहेड्रल टाइप का जो टेट्राड है वो द्विबीजपत्री पौधों में देखने को मिलता है, जबकि आइसोबायोलेट्रल जो है वो एक बीजपत्री पौधे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा डिक्यूसेट या क्रॉसिट, डिक्यूसेट या क्रॉसिट ये लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि मैग्नोलिया, जैसे कि मैग्नोलिया।
एक दूसरे से समकोण, देखो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दो लग भी जाओ तो एक ही तल में है, और तीसरा जो है इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वैसे ही इससे पीछे वाला जो है वो भी इनसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ही व्यवस्थित होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है टेट्राहेड की, हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिट। और इस तरह का जो एग्जाम, इस तरह का जो टेट्राहेड है वो मैग्नोलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा टी शेप। टी शेप नाम से समझ में आ रहा होगा कि टेट्राहेड की संरचना कैसी होती है, टी शेप, देखो टी बन रहा है। तो ये टी शेप संरचना में क्या होता है कि दो तो एक तल में होते हैं और दो लंबवत होते हैं। तो ऐसे जो टेट्राहेड होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, टी शेप व्यवस्था या टी शेप टेट्राहेड। ये एरिस्टोलोकिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा लीनियर। लीनियर या रैखिक, सारे एक ही लाइन में टेट्राहेड जो है, सारे माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो चारों एक ही लाइन में व्यवस्थित होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिलिया। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनियम या व्हाट इज पॉलिनियम। तो पॉलिनियम ऐसी संरचना है जो कुछ पादपों में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो टेट्राहेड माइक्रोस्पोर जो है वो टेट्राहेड में व्यवस्थित ना होकर एक पराग पिंड बना लेते हैं। ये कैलोट्रोपिस का पॉलिनिया है, ये मैंने निकाल के भी बताऊंगी इस वीडियो के बाद। तो पॉलिनिया जो है पराग, कैलोट्रोपिस का पॉलिनिया है, कैलोट्रोपिस यानी कि आर्क या फिर आर्किड फैमिली में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो इसके अंदर है ये परागकण है, और परागकण एक गुच्छे के रूप में परागपिंड के अंदर क्लोज जो है, और इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनिया। पॉलिनिया जो कि कैलोट्रोपिस का है या आग का पॉलिनिया है। ये कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के फ्लावर है, ये मैं लेके आई हूँ। और इनमें जो पहले स्ट्रक्चर देख ले हम, ये इसका पुष्प ग्रंथ हो गया, ये इसका पुष्पासन हो गया। अब ये जो है ये क्या है, पहाय दल, ये है दल, और ये जो होता है इस तरह की जो संरचना देखने को मिल रही है तुम्हें, ये क्या है, गाइनोस्टिजियम। अब हम इसे क्या करेंगे, जो कोरोला है इन्हें हम अलग कर लेंगे। ये सारे तुम घर पे भी करके देखना, अगर यहाँ सही नहीं दिख रहा है तो तुम अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, है ना। तो सभी को ये करके देखना है। उसके बाद जो ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर ये जो कॉर्नर है, मेरा ये जो खराब हो चुका है, नेक्स्ट में दिखाती हूँ। तो ये जो कॉर्नर है, ये ब्लैक कॉर्नर, ये कॉर्नर के यहाँ पर पॉलिनिया जो होता है वो होता है। देखो ये पॉलिनिया निकल भी गया, दिख रहा होगा सभी को, पॉलिनिया जो है परागकणों की एक विशिष्ट संरचना को बोलते हैं हम। नेक्स्ट निकाल लेती हूँ। ये रहा पॉलिनिया, और ये मैंने पहले से एक निकाल के रखा हुआ भी है, और ये हमारा एक नया जो पॉलिनिया जो हमने अभी निकाला। ये सभी करके देखना, तुम लोगों को भी मजा आएगा निकालने में, और अच्छा भी लगेगा कि हमने कुछ किया है घर बैठे प्रैक्टिकल। पॉलिनिया क्या होता है आपस में बताना चाहूंगी। कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर एक विशिष्ट संरचना, कुछ पादपों में परागकण मिलकर एक विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनियम कहते हैं या पॉलिनिया कहते हैं। अब तुम्हें ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा कि ये स्ट्रक्चर मैंने इस तरह से क्यों बनाया। ये हमें जो हमने पॉलिनिया निकाला उसी का डायग्राम है। परागकण जो है इस पराग पिंड के अंदर बंद रहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनिया कहते हैं, जो कैलोट्रोपिस में और आर्किड में पाया जाता है। व्हाट इज पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी क्या होता है, यदि एक लघु बीजाणु टेट्राहेड में व्यवस्थित होकर बहुत सारे यानी कि चार से अधिक अगर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, पॉलीस्पोरी कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा, या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा परागकोश का स्फुटन। जो परागकोश होता है, ये परागकोश इसका स्फुटन किस तरह से होता है। तो परागकोश का स्फुटन निम्न चार तरीके से होता है। फर्स्ट टाइप है हमारा अनुप्रस्थ। जो परागकोश है वो जैसे ही आयताग्राही होता है, क्योंकि उसके एंडोथीशियम और एपिडर्मिस आयताग्राही होती है, जैसे ही उसको नमी मिलती है, अनुकूल वातावरण मिलता है, तो वो जल का अवशोषण करके, हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण जल का अवशोषण करके और स्फुटित हो जाता है। स्फुटित
निम्न तरीके से होता है, अलग अलग फैमिली में अलग अलग होता है। तो फर्स्ट है हमारा अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन में जो पराकोष है वो अनुप्रस्थ रूप से स्फुटन होता है, और जिससे इसका एग्जाम्पल है हमारा तुलसी। नेक्स्ट टाइप है लंबवत। लंबवत स्फुटन में जो पराकण है वो लंबवत स्फुटित होता है, यानी कि खड़ा स्फुटित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा धतूरा। छिद्रमय, छिद्रमय में जो पराकोष होता है, पराकोष के ऊपर छोटे छोटे दो तीन छिद्र, ये पराकोष है और इसपे यहाँ छिद्र बन गया, यहाँ छिद्र, दो तीन छिद्र बन जाते हैं और स्फुटित हो जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है मकोर। नेक्स्ट है कपाटीय। कपाटीय स्फुटन में क्या होता है कि पराकोष के ऊपर छोटे छोटे कपाट बनते हैं और ये कपाट जो है फिर स्फुटित हो जाते हैं और पराकण को बाहर रिलीज कर देते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हुआ। पराकोष का स्फुटन कैसे होता है ये भी हमने देख लिया। पॉलिनियम क्या होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इस बार पे, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, और पॉलिस्पोरिक भी क्वेश्चन आ चुका है कि ये क्या होता है। आज का वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही अपलोड कर लूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।